हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी बहन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं बाल मिठाई बनाऊंगी और ये उत्तराखंड की फेमस मिठाई है। बाल मिठाई का नाम सुनते ही पहाड़ों की याद ताजा हो जाती है। आज मैं चॉकलेट फ्लेवर से बनाऊंगी इसको। चॉकलेट बाल मिठाई खाने में काफी टेस्टी यूनिक लगती है। इसे बड़े छोटे बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो मैं आज बाल मिठाई बनाती हूँ और बाल मिठाई बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिए है और 125 ग्राम शुगर पाउडर लिए है। 1 चम्मच मैं कोको पाउडर लूंगी, इससे बच्चे बड़े सभी फ्लेवर पसंद करते हैं। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है और 1 चम्मच घी है और ये शुगर बॉल्स हैं। ये शुगर बॉल्स केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं मावा को कद्दूकस कर लेती हूँ। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से क्रम्बल कर लेती हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कर लेती हूँ। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैं इस कढ़ाई पर 1 चम्मच घी डालूंगी। जो मैंने अभी क्रम्बल किया है इसको भी डाल देंगे मावा को और इसको भूनेंगे। हल्की आंच पर ही भूनना है हमें, तेज आंच नहीं करेंगे नहीं तो हमारा मावा लग जाएगा। हमें धीमी आंच पर ही भूनना है इसको और लाइट ब्राउन होने के बाद हम उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। जब तक हम इसे भूनेंगे हमारा मावा लाइट ब्राउन हो गया है और मैंने इसे करीब 5-7 मिनट भूना है। देखिए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चॉकलेट पाउडर मिला देती हूँ, कोको पाउडर 1 चम्मच करीब, और इसको भी अच्छी से तरह चलाएंगे। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसी समय ड्राई फ्रूट्स का आप पाउडर बना लें, उसके बाद आप डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने इस समय ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले इसमें। अब मैंने चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा चॉकलेट भुन भी गया है। अब मैं इसमें शुगर पाउडर मिला देती हूँ और इसको भी चलाते हैं अच्छे से। ये थोड़ा सा मेल्ट भी होगा और उसके बाद हम और अच्छे से चलाएंगे। देखिए, हमारी शुगर पाउडर मेल्ट हो गई है और थोड़ा सा सॉल्यूशन पतला हो गया है। अभी हम इसको चलाएंगे और जब तक ये गाढ़ा हो तब तक हमें चलाना है और उसके बाद ये तली को छोड़ने लगेगा। अब देखिए, हमारा सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया है और एक साथ उठ रहा है। अब मैं इसमें ये इलायची पाउडर है इसको मिला देती हूँ और अच्छे से चलाती हूँ। देखिए, हमारा एक साथ उठ रहा है, अब जमने के लिए तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। हम इस तरीके से घी लगा करके थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आप ट्रे में भी जमा सकते हैं, आपको जो भी बर्तन आपको अवेलेबल हो आप उस तरीके से जमा सकते हैं। मैं इस प्लेट में जमाऊंगी और इसको निकाल लेते हैं। मैंने इस तरीके से प्लेट में सेट कर दिया है और इसको करीब 4-5 घंटे जमने में लगेंगे। आप जितनी थिक बर्फी रखना चाहते हैं उतना ही आप लेयर मोटा रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसको जमाया है और 4-5 घंटे बाद मैं इसको चॉकलेट के रूप में या बर्फी के रूप में आप जिस साइज में काटना चाहते हैं उस साइज में काट सकते हैं। मैं कट के निशान लगा दूंगी जिससे ये थोड़ी सी कम सेट होगी, उसी समय लगा दूंगी मैं। मैंने इसमें कट के निशान लगा दिए और अभी इसको 2 घंटे के लिए और रख देती हूँ सेट होने के लिए। बर्फी सेट हो रही है, हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। पहले हम चाशनी बना लेते हैं और चाशनी के लिए मैंने एक भगोनी रखी है गैस पर, गैस ऑन कर दी है और ये 1 कप चीनी है मेरी, मैं इसको डालती हूँ और लगभग 1 कप ही मैं इसमें पानी डालूंगी और हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। हम मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी बनाएंगे और चाशनी हमको गाढ़ी बनानी है। हमारी चीनी पूरी घुल गई है और यदि आपकी चाशनी में इम्पोरिटी हो तो आप दूध डाल करके या नींबू डाल करके दूर कर सकते हैं। मेरी चाशनी बिल्कुल एकदम से साफ है। अब मैं इसमें 2 इलायची डाल देती हूँ। इलायची को इस तरीके से खोल करके इस तरीके से डाल देंगे आप जिससे चाशनी में अच्छे से खुशबू हो जाएगी। दूसरे को भी डाल देती हूँ।
आप चाहो तो सेफ्रॉन लीव्स भी डाल सकती है इसमें, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और अब मेरी चाशनी बन गई है और मैं इसको बंद कर देती हूँ, हमें ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ, कैसे ठंडा होने देती हूँ। बाल मिठाई बनाने के लिए अब हम इनके पीसेस कर लेते हैं अच्छी तरह से। हमारी पूरी तरह से जम चुकी है, मैंने निशान पहले ही लगा लिए थे। ये एक्स्ट्रा इसको मैंने निकाल दिया है, आपने मन पसंद आकार में काट सकते हैं जैसी भी आपको पसंद हो। देखिए इस तरीके से मैंने काटी है। पूरी तरह से ठंडी हो गई है और बर्फी भी एकदम से सेट हो गई है। अब हम बाल मिठाई बना लेते हैं। बाल मिठाई बनाने के लिए हम ये जो बर्फी है इनको इस तरीके से थोड़ा सा डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम ये बॉल्स हैं इसमें इस तरीके से लगा करके थोड़ा सा हाथ से ऊपर से डाल करके और इस तरीके से रखते जाएंगे। इस तरीके से लेकर के हम रखते जाएंगे। बहुत अच्छी लगती है ये बर्फी बाल मिठाई। इस तरीके से सारी बर्फियों पर शुगर बॉल्स लगा लिए हैं और इस तरीके से हमारी बाल मिठाई बनकर के तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है। आप इस तरीके से बाल मिठाई बनाइए और अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।